Hello students, how are you? Today we will discuss 10th class 7th lesson glimpses of India. Glimpse होती है झलक, यानी भारत की झलकें. और इसका जो पहला पार्ट है, इस लेसन के 3 पार्ट्स हैं. पहला जो भाग है उसका नेम है ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा से एक बेकर. बेकर का मतलब है ब्रेड सेलर, पाव रोटी बेचने वाला या ब्रेड बेचने वाला. इस लेसन के जो राइटर हैं लुसियो रोड्रिगस उनका नाम है. और इसमें राइटर ने गोवा के बारे में, गोवा में पहले जो पुर्तगाली लोग आए थे और वहाँ पर ब्रेड सेलिंग का और मेकिंग का जो ट्रेंड था, पुराना काम था, उसके बारे में बताते हैं कि उसका ये बिजनेस कितना प्रचलित था, पावरोटी बनाने का, बेचने का. और जो बेकर था यानी पावरोटी बेचने वाला था, वो कैसा था, कैसे आता था बेचने, कैसे जाता था, कैसी उसकी ड्रेस होती थी. छोटा सा ये लेसन है, इसकी समरी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे. और वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स उनकी हिंदी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं. किसी विद्यार्थी को टेक्स्ट रीडिंग करनी हो तो लास्ट में वर्ड मीनिंग देख कर वो कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर जो है नोटबुक में नोट करके लर्न कर सकते हैं. तो इसमें जो राइटर है वो गोवा के पुराने एक गांव में जो ब्रेड सेलिंग का बिजनेस था और जो बेकर काम करते थे वहां पे पावरोटी बेचने का, उसके बारे में बताते हैं कि उसकी क्या भूमिका होती थी गांव में, उसका बेकर का यानी ब्रेड सेलर का कितना इम्पोर्टेंट प्लेस होता था. जो राइटर है वो कहते हैं कि ये जो ब्रेड सेलिंग का काम था, जब पुर्तगाली लोग रहते थे पुराने टाइम में गोवा में, तो उनके पूर्वज ये काम बहुत ही चाव से करते थे, उनकी बहुत वैल्यू होती थी गांव में. और अब उतने लोग तो इस काम को नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे ब्रेड सेलिंग वाले, पावरोटी पकाने वाले, बनाने वाले और बेचने वाले मौजूद हैं. अभी भी वहाँ पे जो फर्नेसिस है, भट्टियाँ हैं पावरोटी पकाने बनाने की, वो अभी भी मौजूद है वहाँ पे. फिर राइटर रिमाइंड करते हैं, बताते हैं कि कैसे जब वो राइटर छोटे थे, बचपन में याद आता है कि कैसे पावरोटी बेचने वाला सिर पे टोकरी रखकर और हाथ में बाम्बू स्टिक लेकर, जो छड़ी होती थी बांस की, वो लेकर लाठी लेकर आते थे और एक दिन में 2 राउंड वो लगाते थे. एक सुबह का चक्कर होता था और एक जाते टाइम शाम का चक्कर होता था. उसके सर पे जो है टोकरी होती थी और वो टोकरी जो है, जब उनकी बाम्बू स्टिक की आवाज़ सुनकर सबको पता लग जाता था कि ब्रेड बेचने वाला आ गया है. और राइटर कहता है कि हम बिना ही ब्रश किए, बिना ही ढंग से मुंह धोए उठकर, बड़ा चाव था ब्रेड खाने का, तो भाग कर हम आते थे. और जो रिंग्स होते थे ब्रेड के, जो गुच्छे होते थे चूड़ीदार गुच्छे, उनका हमें खाने का बहुत ज़्यादा शौक था. तो राइटर कहता है कि हमें जो है ब्रेड चूज करने की फ्रीडम नहीं थी, हम दूर खड़े ही देखते रहते थे और जो घर का नौकर था वो सेलेक्ट करके ब्रेड जो है अंदर ले जाता था. और फिर सुबह का राउंड होता था, एक तो ब्रेड सेलर का, पावरोटी बेचने वाले का, और एक शाम का राउंड होता था. और जब भी उसका आना जाना था, उसकी लाठी की, जो बांबू बांस की लाठी की झंग झंग की जो साउंड होती थी, उससे हमें पता लग जाता था कि वो अब आ रहा है या जा रहा है. और उस टाइम राइटर कहते हैं कि जो ब्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था फंक्शंस में, शादी हो या कोई ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई शुभ काम, कोई भी अवसर हो, तो उसमें जो है ब्रेड से मिठाइयाँ, सैंडविचेस, केक्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी. यानी बिना उसके, ब्रेड के, कोई भी फंक्शन अधूरा समझा जाता था. फिर जो राइटर है वो ब्रेड सेलर की ड्रेस के बारे में बताते हैं कि उनकी जो ड्रेस होती थी वो थोड़ी स्ट्रैंड सी होती थी, एक ही लॉन्ग ब्लैक कोट पीस होता था ड्रेस में, और जो पैंट थी उनकी वो घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा नीचे आती थी, टखनों से ऊपर और घुटनों से नीचे, तो इस तरह की उनकी ड्रेस होती थी.
और उनकी जो पेमेंट होती थी वो महीने के लास्ट में की जाती थी, उनका सारा हिसाब किताब दीवार पे पेंसिल से ही लिख लिया जाता था। और उस टाइम ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, हालांकि आज इन ब्रेड सेलिंग मेकिंग का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन उस टाइम गोवा में जब पुर्तगाली लोग रहते थे तो काफ़ी ठीक ठाक बिजनेस था उनका, अच्छे से वो रहते थे। और उनका राइटर कहता है कि उनका बड़ी हुई तोंद देखकर, उनका फिजिक मोटापा देखकर कोई भी आइडिया लगा सकता था कि ये उनके पास ठीक ठाक जो है भरपेट खाना था और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक होती थी ब्रेड सेलर की। तो ये इस लेसन की समरी एक्सप्लेनेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं डिक्टेट करूंगी, आप इनका आंसर वीडियो रोक के लिख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। What role did the baker play in the childhood of the narrator? Narrator means यहाँ पे लेखक जो है उसके बचपन में baker यानी जो baker था, और baker को बताता भी है writer कि उसको peder बोला जाता था, उसको पावरोटी बेचने वाले का नाम peder होता था। तो उसका क्या स्थान था लेखक के बचपन में? How did the baker make his entry? Baker की entry कैसे होती थी, सबको कैसे पता लग जाता था कि baker आ गया है? और what did the bakers wear, क्या पहनते थे पावरोटी बेचने वाले, कैसी ड्रेस पहनते थे in the Portuguese days, पुर्तगाली दिनों में? When the author was young, जब लेखक छोटा सा था, what were the bakers called, इनको क्या कहा जाता था bakers को? Describe their peculiar dress, इनकी विचित्र ड्रेस होती थी उसके बारे में बताएं। Is bread an important part of Goan life, क्या गोवा के जीवन का जो ब्रेड है वो अहम हिस्सा है? How do you know this? आपको कैसे पता लगता है? What marks of the Portuguese way of life can still be seen in Goa? जो पुर्तगाली जीवन शैली के कुछ संकेत हैं, निशान हैं, वो अभी भी गोवा में कैसे देखे जा सकते हैं? इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनकी अच्छे से इंग्लिश प्लस हिंदी दे रखी है, और इन वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से आप जो है टेक्स्ट रीडिंग आसानी से कर सकते हैं, ताकि लेसन आपको डीपली माइन्यूटली समझ में आ जाए। तो ये थी इस लेसन की समरी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चंस आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स।